आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। देखो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, तो हम लोग का देखो प्रीवियस लेक्चर में काफी टाइम से क्लास 10th का जो पार्ट 2 है मीन ज्योमेट्री वे चालू था, जिसमें से हम लोग चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट जो 2.2 है उसको आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन करा दिया था, कुछ क्वेश्चन बाकी थे जो मैं आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से एम पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट है, एम जो हमारा एक है मिड पॉइंट है ऑफ साइड किस पे, बीसी पे। तो आपको बोला एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एएम मींस ए से एम का कितना दिया 8 दिया, फाइंड करना बी से सी का, यही फाइंड करना है। तो आपको पता है क्या पता है, इन ट्रायंगल एबीसी में सेगमेंट एएम इज द मीडियन, एएम हमारा क्या मीडियन है आपको पता ही है। तो अपोलोनिस थ्योरम से आप क्या निकालोगे, अपोलोनिस थ्योरम का आपको पता रहेगा क्या आता है, एबी का देखो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इक्वल टू 2 एएम का स्क्वायर प्लस 2 बीएम का स्क्वायर, ये हो गया, ये अपोलोनियस का थ्योरम है। तो अभी इस पे जो भी वैल्यू दिया उसको रख दो, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर कितना दिया, देखो यहां पर दिया 290, एएम का कितना दिया 8 दिया है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 बीएम तो दिया नहीं है, 2 बीएम स्क्वायर हो गया इतना। अब क्या करोगे, इसको इसे रहने दो, 2 का 8 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट मार्क करता हूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में आप 2 से इनटू करोगे, 24 जाए 26 जाए 12 कितना है 128 आया, प्लस 2 बीएम स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखोगे तो इसको इस साइड लाओगे तो माइनस होगा, 290 में से माइनस करोगे 128, 2 बीएम कितना मिलेगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 2 बीएम इतना मिलेगा। अब मैं आपको इधर बता देता हूं इतना, अब 2 इनटू में इधर आएगा डिवाइड में जाएगा 162 अपॉन 2, 2 से इसमें करोगे 26 जा 12, 2 8 जा 16 हुआ 202 मींस कितना आ जाएगा 81, 2 से डिवाइड करोगे तब बीएम का स्क्वायर है, बट हमको बीएम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो कैसे, therefore taking square root on both side करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि a हमारा क्या आ जाएगा, therefore bm equal to 9, bm हमारा कितना आ गया 9 आ गया, बट हमको bm चाहिए क्या, नहीं bm नहीं चाहिए, हमको b से c का चाहिए, हम लोग को पता है क्या पता है, देयरफॉर हमारा जो बीएम है इक्वल आधा है किसका, बी से सी का, क्योंकि हमारा एम पॉइंट क्या है मीडियन है, तो बी से सी का आधा है बीएम, तो बी सी हो गया। आपको बीएम का वैल्यू पता है, यहां आपको लिखना है तो लिख सकते हो एम इज द मिड पॉइंट सेगमेंट बी सी का हो गया। अब हम लोग का बीएम का जो वैल्यू उसको रख दो 9 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बीसी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 इनटू 2 इक्वल टू बीसी, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 9 टू 18 इक्वल टू बीसी, यही तो हमको लिखना था जो हम लोग को क्या कर लिया लिख दे, तो आप इसमें हाँ लिख दिए, बस इतना ही हम लोग को करना था, जो कि हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 4th एकदम सिंपल में कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए देखो इतना ही, और हमारा जो प्रैक्टिस है 2.2 था वे कंप्लीट हो गया, तो जो चैप्टर 2 चालू था वे भी क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कुछ आगे का हो सकता है तो अलजेब्रा का लेकर आऊं कोई नया चैप्टर, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए।